किस तरह से ये मूवी एक बहुत ज्यादा स्पेशल प्रोजेक्ट था मूवी के एक्टर्स और डायरेक्टर्स के लिए, कितना काम किया गया था रोबोट 2.0 मूवी में VFX के लिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा तैयार की गई बॉलीवुड इंडस्ट्री की मास्टरपीस फ्रेंचाइजी रोबोट फ्रेंचाइजी के बारे में। इंडिया में रोबोट मूवी सीरीज का काफी ज्यादा हाइप है और इस फ्रेंचाइजी के अंदर अब तक 2 मूवीज तैयार की जा चुकी हैं, जो कि है रोबोट और रोबोट 2.0। डायरेक्टर शंकर का गहरा इंटरेस्ट है रोबोट 3.0 मूवी तैयार करने के लिए। शंकर ने रोबोट 2.0 मूवी को एक बहुत बड़े पैमाने पर तैयार करवाया था। मूवी 500 करोड़ के बजट में तैयार की गई एक बेहद शानदार क्रिएशन रही थी। शंकर द्वारा मूवी में विलेन अक्षय कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि पूरी रोबोट 2.0 मूवी को असल में 3D में ही शूट किया गया था, ना कि मूवी को सिर्फ 2D फॉर्मेट में बनाकर सिर्फ 3D में कन्वर्ट किया गया, जो कि काफी आसान है। और ऐसा करने की असली वजह ये थी कि मूवी के जो 3D इफेक्ट्स को और भी ज्यादा बेहतरीन दिखाने के, क्योंकि रोबोट 3.0 मूवी का सबसे बड़ा कोर फैक्टर था मूवी के 3D इफेक्ट्स। मूवी के एक्शन सीन्स पूरी तरह से एनिमेटेड थे, जो कि इस मूवी की कोर स्ट्रेंथ थी। मूवी मेकर्स और मूवी एक्टर्स का कहना है कि ये मूवी का एक्सपीरियंस बाकी मूवी से बिल्कुल ही ज्यादा अलग था, और कहीं ना कहीं रोबोट 2.0 मूवी हम लोगों के लिए एज अ व्यूअर भी बहुत ही ज्यादा नया एक्सपीरियंस है। मूवी के 3D इफेक्ट्स के अलावा मूवी का स्पेशल हार्ट था मूवी के विजुअल इफेक्ट्स, यानी कि VFX। मूवी रोबोट 2.0 को पूरा तैयार करने में लगभग 900 विजुअल इफेक्ट शॉट्स का इस्तेमाल किया गया था। रोबोट 2.0 मूवी को पूरा तैयार करने में और उसके विजुअल इफेक्ट्स के सभी शॉट्स को तैयार करने के लिए मूवी के लिए लगभग 15 VFX कंपनीज ने मिलकर काम किया था। दोस्तों, एक VFX सीन को तैयार करने में काफी समय लग जाता है, जिस वजह से रोबोट 2.0 मूवी को बनाने के लिए इतनी ज्यादा कंपनीज ने एक साथ मिलकर काम किया, वो भी इस मूवी को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जहां पर आज ये मूवी खुद खड़ी है। और इसी वजह से रोबोट 2.0 मूवी सबकी नजरों मूवी में एक बेहतरीन मूवी साबित हुई और उसने सभी का दिल जीत लिया। आपके इस मूवी के बारे में और इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना। और अगर इसी के साथ खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब